आपका वही आवे जो ये सस्ताई कम करे, पेट्रोल कम करे, सस्ताई कम करे, जिस आटा चीनी पट्टी ये सब कुछ सही करे, तो वो हकदार है वोट का, नहीं तो उनको फिर वो कहते हैं यार आप तो यहाँ बैठे हो, आप जरा साइड एरिया की तरफ निकल जाओ, देखो कि साइड एरिया की तरफ निकल जाओ, देखो सारी फैक्ट्रियाँ मिलें सारी बंद पड़ी हुई हैं। तो देखो यार इतना बड़ा जुल्म हमारी हुकूमत से, मेरे हुकूमत के आगे से मैं सवाल करता हूँ खुदा के लिए, आप एक मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान बेटी को तो कम अज़ कम उसके हक में बात करें, जो एक अमेरिका की जेल नहीं ना होने के बावजूद भी काम तो सब बिल्कुल आसान लगता है या मुश्किल लगता है? काम तो काम तो रुकावट नहीं होती, चाहे रोशनी है मगर रोशनी है कि देखना पैदा है, रंग को देखना पैदा है, आदमी को देखना पैदा है, वो चीज़ से क्या कहते हैं आप हुकूमत को बोल रहे हो? पहले चीनी थी 65-70, अभी 120-130 है। बिल्कुल हमारी तनख्वाह 16,000 रुपया, 16,000 में हम आटा पूरा करेंगे या घर का पानी पूरा करेंगे। यहाँ बिजली का भी मसला होता है, गैस का भी मसला होता है, पानी का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे, खास तौर पे मैं ज़िया कलोनी का रहने वाला हूँ, ज़िया कलोनी की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पानी अभी नहीं, गैस तो अभी नहीं, गैस अभी नहीं, बिजली नहीं, वो जरा पानी आता सी, अच्छा जो पानी आता था वो भी बंद हो, अच्छा बंद हो गया, और गटर लाइन सही नहीं है, रोड सही नहीं है, गलियाँ सही नहीं है, टाइम टेबल बिजली मसाला है, असल में किसी पाकिस्तान नहीं, अवाम है भाई, गरीब बहुत है, गरीब अवाम बहुत है, शहर लोग बहुत है, गरीब अवाम बहुत है, उसको देखा जो अंदर टाउन की तरह उसे निज़ाम चलाना चाहिए, चला बनने आए हमारे छठ मत ये वो घर का बना के दिया, हमारे साथ बहुत टाउन किया, अल्लाह इनको खुश रखे। तो इसके अलावा हमारे देखने वालों को कुछ और बोलें? और क्या बोले कि ये कोई ऐसा खुदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद तैयब, आप देख रहे हैं तैयब भाई ब्लॉग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज का मज़ेदार ब्लॉग शुरू करने से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन लाजमी दबाएँ। तो शुरू करते हैं आज के मज़ेदार ब्लॉग, शुरू करने से पहले पहले इनका नाम जानते हैं तो फिर इनका हाल हाल जानते हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमी। तो आप क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं। ये आपने मुंह में क्या डाला हुआ है? समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ये ना खाएं तो क्या होगा? ये अगर ना खाएं तो इससे क्या होगा? दिमाग नहीं चलेगा। अच्छा, दिमाग नहीं चलता। बाज लोगों को मैंने देखा है कि ये वो खाते हैं जिनसे काम नहीं होता, सच है? अच्छा, आपको कोई ऐसा कोई टैलेंट है? टैलेंट के हुकूमत के बारे में बात करना चाह रहे हैं। करे हुकूमत के बारे में, जो भी आ रहा है अपना फुटू सीधा करके जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? उनको आवाम के लिए नहीं, अपने लिए। हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया? आप हुकूमत को बोल रहे हो, पहले चीनी थी 65-70, अभी 120-130 है। बिल्कुल हमारी तनख्वाह 16,000 रुपया, 16,000 में हम आटा पूरा करेंगे या घर का पानी पूरा करेंगे, बिजली का बिल करेंगे, किराया करेंगे, क्या क्या करेंगे। इसके अलावा जिस तरह गैस भी जा रहा है, बिजली भी नहीं है, तो इनके बारे में आप क्या बोलोगे? ये तो हुकूमत की सियासत है ना। हाँ, हुकूमत की सियासत रहती है, अपना कर रहे। तो आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इमरान खान होगा, किसको? कोई भी नहीं होगा, वोट किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, वोट किसी को नहीं, वोट किसी को नहीं, आवाम को ही वोट देंगे। जो आवाम मतलब जो आपके साथ सही चला आप उसी को वोट, उसी को वोट देंगे। अच्छा, तो इसको इमरान खान को देंगे। बोल, इमरान खान के लिए जान आजर है हमारी, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अगर इमरान खान ने सही काम किया तो चादर जिसने डाल के दी थी इमरान खान, तो घर के जो भी है हमारे पास घर की छत नहीं थी, ये इमरान खान के बंदे आए हमारे छत मत ये वो घर का बना के दिया, हमारे साथ बहुत टाउन किया, अल्लाह इनको खुश रखे। तो इसके अलावा हमारे देखने वालों को कुछ और बोले? और क्या बोले कि ये कोई ऐसा खुदा का वली आवे जो ये सस्ताई कम करे, पेट्रोल कम करे, चीनी पट्टी ये सब कुछ सही करे, तो वो हकदार है वोट का, नहीं तो उनको फिर हाथ में डंडा ही देंगे। क्या देंगे? तो जाते जाते कोई आखिरी पैगाम, आखिरी ये है कि देखने वालों को कोई पैगाम दे जाए फिर? बस आखिरी यही पैगाम है कि कुछ राशन में सस्ताई करे, और कुछ भी नहीं, बाकी कोई चोर का बच्चा नहीं आवे। ठीक।
अभी दूसरे बंदे हैं, अभी इनके बारे में, महंगाई के बारे में पूछते हैं और मुल्क के हालात के बारे में पूछते हैं और इनके और भी क्या क्या साहब हैं तो पूछते हैं। चले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम माविया तारिक यूसुफ। आप क्या करते हो? मैं तो बस मेरी एक शॉप है, मैं उसको जो है ना उसी को होता हूँ। अच्छा, तो आजकल जिस तरह हालात चल रहे हैं, महंगाई हो रही है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? दरअसल मैं महंगाई के हवाले से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। वो इसलिए कि देखें, हम जो हमारे ऊपर जो उसके हुक्मरान मुसलत हैं वो तो मैं कहता हूँ फिरौन से भी बदतर हैं। बहुत सालिम है, गरीब आवाम है, न बिजली की, यहाँ बिजली का भी मसला होता है, गैस का भी मसला होता है, पानी का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे। ख़ास तौर पे मैं ज़िया कलोनी का रहने वाला हूँ, ज़िया कलोनी की बात कर रहा हूँ। यहाँ तकरीबन ये सुबह यहाँ 5:30 बजे गैस जाती है, रात को 2 बजे के टाइम आती है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बंदों ने जो है ना काम पे जाना होता है, वो बेचारे भूखे प्यासे जाते हैं। हुकूमत के अलावा से तो मैं इतनी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है बिल्कुल नाअहल है। और जिस तरह का जुल्म और जबर हमारे ऊपर फिरौन ने किया था, वही अपना मुसलमानों पर किया था, वही इस टाइम के हुक्मरान कर रहे हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ है, जरदारी है, अल्लाह करम फजल रहमान है, कोई भी है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है बिल्कुल ख़राब चल रही है, जो इस टाइम पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आवाम अपने हक़ के लिए खड़ी हो, ताकि जो है ना वो अपने हक़ के लिए देखें। हुकूमत चलती है आवाम के पावर से, सरकार चलती है आवाम के पावर से। तो जब तक आवाम नहीं निकलेगी, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, उस वक्त तक ये जो है ना ये ज़ालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसलत रहेंगे। तो इन ज़ालिम हुक्मरानों को ख़त्म करने के लिए, इनको जो है अपना मुल्क के अंदर से ऐसे हालात को ख़त्म करने के लिए और अपने लिए सुकून पैदा करने के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अब देखें मैं तो हमारे साइड तो तकरीबन जहाँ साइड एरिया है ना, यहाँ लोग काम वगैरह करते हैं, तो मैं अक्सर दिन को लोग मेरे पास सौदे वगैरह के लिए आते रहते हैं, तो मैं पूछता रहता हूँ कि काम की क्या ज़रूरत है हाल है। वो कहते हैं यार आप तो यहाँ बैठे हो, आप ज़रा साइड एरिया की तरफ निकल जाओ, देखो सारी फैक्ट्रियाँ, मिलें सारी बंद पड़ी हुई हैं। तो देखो यार इतना बड़ा जुल्म हमारी आवाम के साथ, हम कोई लोग मकान के किराए में रहते हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, अपनी दुकान है, मेरा निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है, लेकिन मुझे अफसोस इन लोगों का होता है कि जो किराए के मकानों के अंदर रहते हैं, जो किराए 6-7 हज़ार रुपये एक कमरे का किराया होता है, वो भी देना, पानी बिजली गैस के बिल भी देने पड़ते हैं, बच्चों की फीसें भी अफोर्ड करनी पड़ती हैं। तो इस लिहाज से जो है ना मैं काफ़ी हद तक परेशान हो जाता हूँ कि यार मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा। यकीन करो मेरे से अगर कुछ हो ना तो मैं करूँ, लेकिन अलबत्ता ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ये आवाम अगर निकले, मेरे इलाके की आवाम ही निकले ज़िया कलोनी की, तो सबसे आगे खड़ा होने वाला मैं हूँ इंशाल्लाह। तो अच्छा, जिस तरह ये गैस वगैरह भी नहीं आ रहा इलाके में, इस गैस के बारे में आप क्या बोलोगे? देखें ये हमारी अपनी नाइली है ना जी। देख अभी ये अभी गैस का जो काम भी करेंगे, नई लेने भी डालेंगे। नहीं नहीं, ये काम वगैरह नहीं होता है। आज से तकरीबन ये समझे कि 4-5 दफ़ा यहाँ पानी का काम भी हो चुका है जी, जी। और इस हवाले से जो है ना गैस की यहाँ पैप भी बिछाए हुए, लेने बिछी हुई हैं, यहाँ पानी की भी बिछी हुई है, तो कई हद तक जो है ना यहाँ लोगों ने काम किए, लेकिन आज तक ना पानी आया है ना गैस आया है, लोगों को परेशानी होती है। मैं पहले बात कह चुका हूँ कि लोग सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं भूखे, ख़ासतौर पर मेरे अपने बच्चे, और साथ में जो है ना बिजली तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो 18 घंटे की तो हमारी लोड शेडिंग हुई। तो ये मैं इस बात पे जो है ना मैं हुक्मरानों को कुछ नहीं कहूँगा, इसमें हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे। यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि हमारे इलाके में ज़िया कलोनी से कम अज़ कम 150 बंदा अगर निकल जाए अपने हक़ के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ ना गैस बंद होगी और नहीं बिजली बंद होगी, इंशाल्लाह पानी का मसला भी हल होगा। लेकिन हमारा इलाका एक लवारस है, जैसे आम देहात में होता, हमारे जो गांव है हम लोग एक पहाड़ के ऊपर रहते हैं, यकीन करो वहाँ 24 घंटे पानी भी होता है, बिजली भी होती है। तो यहाँ से तो फिर गांव वहाँ से हम लोग तो शहर के नाम पर गप है कि हम लोग शहर में रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आवाम से यार खुदा के लिए जो है ना अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, निकलें, आएँ। सही है, अभी हमारे पीछे जो है ना ये पूरी जूसी एक पड़ती है हमारी, तो ये जो पीछे जो है अपना इस इलाके के अंदर पीपल्स पार्टी वाले लड़कों ने काम वगैरह करवाया है, रोड बनवाए हैं, पानी का मसला हल करवाया है, गैस का करवाया है, बिजली का करवाया है, ये तकरीबन ये एक गली छोड़ गया आगे। तो ये इलाका लवारस क्यों है?
वहाँ की आवाम उठती है, यहाँ तक कि उनकी लेडीज़ भी उठ के रोड पे आ जाती है। पानी का जब मसला हो, गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, वहाँ की उनकी लेडीज़ भी आ जाती है ना। तो हमारे इलाके के यार मैं बड़ा परेशान होता हूँ इस मामला पे। मैं कहता हूँ यार हमारा इलाका इतना लावारिस है कि हमारे यहाँ कोई सरबरा ही नहीं है, कोई बड़ा ही नहीं है। हमारे यहाँ नीचे अमजद भाई हैं, वो जो है हमारे चेयरमैन बने हैं, उन्होंने रमज़ान के हवाले से बात की थी कि बिजली भाई शहरी में और रफ्तारी में नहीं जानी चाहिए। उनकी बात सुनी गई तो बिजली नहीं गई है। उसी तरह अगर अमजद भाई के साथ सारे खड़े हो जाएं तो इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना गैस का मसला होगा, ना बिजली का होगा, ना पानी का होगा। जी, तो इसके अलावा जिस तरह आपने बताया, आप मल्ले जिस तरह आप बता रहे सारे मल्ले वाले निकलेंगे तो तब जाके काम होता है, आपकी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। मगर जिस तरह आपने ये बताया ना मल्ले वाले इत्तफाक करें, मगर इत्तफाक आजकल कोई नहीं करता इस बात पे। इत्तफाक मैं करता हूँ, मगर गैस का भी जिस तरह आप बताया मसला है, लाइन नई लाइन डाल के गए, पानी का भी मसला है, वहाँ पे औरतें निकल जाती हैं, यहाँ पे कोई नहीं निकलता, इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ। मगर हुकूमत को चाहिए कि इस मल्ले को भी देखा जाए, क्यों हर मल्ले के बंदे से हम बात करने की कोशिश करेंगे, हर बंदा जो है दिल से परेशान है, हर कोई मजबूर है, कोई महंगाई का सताया हुआ है, कोई आटे के सताया हुआ है, कोई किस वजह से सताया हुआ है, कोई गैस की वजह से सताया हुआ है। तो मेरे ये देखने वाले तमाम जितने भी बड़े अदारे वाले देख रहे हैं, तो गुजारिश है इस मल्ले को भी थोड़ा टेक किया जाए, इसके अलावा जितने भी देख रहे हैं उसको भी टेक किया जाए। तो इनसे जाते जाते आखिरी पैगाम सुन लें तो फिर वीडियो का अहतमाम कर दें, जाते जाते हमारे देखने वालों को आखिरी से पैगाम दे के जाएँ। यार पैगाम क्या है, ये आप आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का एक दौर है, रोज़ाना हम ये पैगाम सुनते हैं, ये पैगाम सामने आते हैं। लेकिन इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में जो है ना, मैं डॉक्टर सिद्दीकी से अपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात करना चाहूँगा। देखिए हमारी एक मुसलमान बहन है जो आज 20 साल से जो इस टाइम अमेरिका की जेल के अंदर पड़ी है, खाने का मसला और उसको तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं। अभी उनकी बहन कुछ दिन पहले उनसे मेरे ख्याल में कम से 3 दिन पहले उनसे उनकी मुलाकात हुई, कहा कि भाई सर पे मारने से जो है ना काफ़ी हद तक उनको चोटें आई हैं, बकायदा उनके दांत वगैरह गिर गए हैं। तो मैं कहता हूँ इस हुकूमत से, मेरे हुकूमत के आगे से मैं सवाल करता हूँ, खुदा के लिए आप एक मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान बेटी को तो कम अज़ कम उसके हक में बात करें। जो एक अमेरिका की जेल से हमारी एक बहन बेटी को नहीं लेके आ सकता, वो पाकिस्तान का निज़ाम क्या चलाएगा, वो हुक्मरान पाकिस्तान को क्या चलाएंगे, आप मुझे बताएं। सही है, तो मैं आवाम को मेरा ये पैगाम है आवाम से, चलो यार हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, हम मुसलमान होने के नाते ना अपनी बहन के हक में कम अज़ कम बात करें, यकीन करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर हम पाकिस्तानी सिर्फ हुक्मरानों को साइड पर रखते हैं, हम सिर्फ आवाम पाकिस्तानी आवाम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में होगी। सही जी, ठीक है। और कुछ भैया? बस अंदर से हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आँखें न होने की वजह से भी ऐसा काम कर रहे हैं, मगर हुकूमत को भी चाहिए कि इस बंदे को टेक किया रहे, तो चलें ऐसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ना के तुसा के करते हो? ये चप्पल का काम करते हैं। चप्पल तुस के अलावा और भी कोई करते हो? नहीं करते और कोई काम? तुस मतलब पहले काम सी चप्पल दे, नई चप्पल बनाने का नजर खत दुकान खत्म हो गई। अच्छा, सेटन खराब हो गई। अच्छा, उसी वजह तो वहीं फिर यही थे बैठे बच्चे हैं रोजी। अच्छा, और मेरे भाई इतने जोर है कि समझ के बाद। अच्छा, देखा वाली हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते? हुकूमत तो खैर कि मुल्क का आवाम का ख्याल करे कि भाई गरीब आदमी को देखना चाहिए। अच्छा, जिला काबुल है उस पर तावन करना चाहिए। अच्छा, मतलब तुसा सुबह कितने बजे तो कितने बजे तक बैठते हो? सुबह तो तकरीबन 8:30-9:30, शाम 7:30-7:30 तक। मतलब तुसा दिहाड़ी पे कोई दिहाड़ी वगैरह पानी जलती है? दिहाड़ी कभी हो जाती है कभी नहीं होती, हवाई रोजी से कोई पता नहीं चलता, ज़्यादा भी हो जाए कभी नहीं भी होने। अच्छा, वैसे किराया मकान है बिल्कुल। उस अलावा जिस तरह जी तुमने लाए थे, इस तो अलावा कोई और सेटअप नहीं, सिर्फ यही एक ही सेटअप है? सेटअप है। अच्छा, जी हाँ, मतलब हुकूमत तो कोई बंदा देख रहे हैं, उसको कोई अगर कोई मैसेज देना चाहो उसको? ये असल में किसी पाकिस्तानी आवाम है भाई, गरीब है, गरीब आवाम बहुत है, सैन लोग बहुत हैं, गरीब आवाम बहुत है, उसको देखा जो अंदर टाउन की तरह उसे निज़ाम चलाना चाहिए, चलाना ताला पाक है बंदे की कोशिश।
हालांकि तो चलो तुसें ते नजर भी नहीं आंदा फिर भी दिल दी तरफ पता नहीं नजर आ रही है जिस तरह तुसें रोशनी वजनर कम कर रहे हो यार चप्पल वगैरह बिल्कुल सिलाई कर गंदे हो हर एक चीज कर गंदे हो तो जी मतलब रोशनी न होने की बावजूद भी काम तुसें बिल्कुल आसान लगता है या मुश्किल लगता है नहीं काम तो तजर्बे की वजह से काम तो काम में रुकावट नहीं होती चाहे रोशनी है या अच्छा मगर रोशनी है कि देखना पैंदा है हां बिल्कुल रंग को देखना पैंदा है आदमी देखना पैंदा वो चीज बिल्कुल कोशिश तो बहुत की मगर सेटिंग नहीं होती अच्छा हिम्मत भी चाहिए भाई गरीब आदमी ऐसा ना काम करना चाहिए तो ख्याल करना चाहिए मुल्क का भी ख्याल करना जी और महंगाई वगैरह हुई है महंगाई के बारे में क्या महंगाई के बारे में तो भाई गरीब से अपना टैर नहीं रखते हाँ बिल्कुल गरीब आदमी अपना पेट भी नहीं पा सकता भाई किराए के मकान सारे मकान जो मकान कई लोगों के हैं ना सब कितनी सब दुनिया तो किराए पे भी रहती है किराए से अगर एक कमरे का मकान जो कम से कम 10-12,000-15,000 में पड़ते हैं पानी के साथ बिल्कुल तो मजदूरी नहीं होगी तो कहाँ से भरेगा खाएगा कहाँ से भरेगा कहाँ इसके इसके अलावा जिस तरह वोट किसको दोगे आप आने वाले वक्त वोट जो जी वो तो आने का वक्त दिखाया जाएगा कि सही आदमी नजर आएगा तो बात नहीं तो जिस तरह लोग बोल रहे हैं इमरान खान आएगा इमरान खान आएगा इमरान खान भाई इमरान खान तो क्या बोल सकते हैं हुकूमत है इससे पहले नवाज से भी कई हुकूमतें गुजरी हैं एक हुकूमत तो जाते जाते हमारे देखने वालों को आखिरी पैगाम है कि भाई मुसलमान नाते मुसलमान इस मुल्क का इस्लाम के नाम का इस मुल्क का ख्याल होना चाहिए आवाम का ख्याल पानी हर जगह का लूनी भाई इसे मेरे कम से कम मैं ज़्यादा दोस्त थे बैठे थे और इस कॉलोनी में कई किसी किस्म का कोई कम पानी नहीं वो जरा आंदा सा पानी दा भी नहीं गैस दा भी नहीं गैस दा भी नहीं बिजली नहीं वो जरा पानी आंदा सी अच्छा जो पानी आता था वो भी बंद हो गया अच्छा बंद हो गया और गटर लाइन सही नहीं है रोड सही नहीं है गलियां सही नहीं है टाइम टेबल बिजली मसाल है कि 24 घंटे में 7 घंटे बिजली होती है और गैस जो पूरा पूरा दिन नहीं हो तो लोग परेशान एक मसला तो नहीं कई मसला तो आगे जो तो आगे किसी गरीब आदमी को नहीं देते वो बड़े जो आगे हो जाते थे हुकूमत को हर तरह का ख्याल करना चाहिए मुल्क है ये मुल्क है तुम लोग हैं मुल्क नहीं है तो क्या मुल्क नहीं है कुछ नहीं बिल्कुल मतलब जाते जाते आपने ये पैगाम दिए कि चाहिए हुकूमत को चाहिए कि सबका ख्याल किया जाए मगर सबसे ज़्यादा देखने हुकूमत को देखा चाहिए कि ये काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक आंखें ना होने की वजह से भी चप्पल सिलाई करते हैं जितना हो सके इस बंदे को टेक करें हुकूमत से मेरी गुजारिश है इस बंदे को टेक करें अपने पेट की खातर बच्चों की खातर ये कहना है सुबह से लेके शाम तक दिहाड़ी मजदूरी लग जाए तो लग जाती है ना लगे तो खाली भी कभी कभार जाना पड़ता है हाँ बेशक तो जितना हो सके इस वीडियो को टेक करें तो आज की वीडियो को यहाँ इख्तिताम करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक ऐसी वीडियो और आ सके अस्सलाम वालेकुम।